हम लोग अभी बिलासपुर की गोविंद सागर झील में हैं और इस बार के हिमाचल इलेक्शंस में और गुजरात में भी एक फर्क पिछले इलेक्शन से ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी है, खासतौर से गुजरात में और कुछ हद तक हिमाचल में। उनको लग रहा है कि ये द्विपक्षीय नहीं त्रिपक्षीय लड़ाई है, त्रिकोणी लड़ाई है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में था, सह प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी, वहां पे ये लोग कहते हम इतिहास रचें, सभी 60 सीटों पे जमानत जब्त कराने का आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा। जहां तक पंजाब की बात है, वहां एंटी इनकम्बेंसी भी थी पंजाब में और बहुत सारे और इश्यू जो आपके ध्यान में है उस समय रहे, उसका भी एडवांटेज उनको मिला है। लेकिन पंजाब में सरकार बनाने के बाद जितनी तेजी से इनका ग्राफ गिरा वो आप सबके सामने है। 70 हत्याएं मात्र 3.5 महीने में हुई, गैंग वॉर शुरू हो गई, वहां कानून व्यवस्था चरमरा गई है पंजाब में, और आम आदमी पार्टी झूठ का पुलिंदा और अराजकता का एक प्रतीक चिन्ह बन के रह गई। पर मुझे एक चीज बताइए अनुराग जी, अगर आम आदमी पार्टी इतना बड़ा नॉन इश्यू है तो बीजेपी आए दिन सुबह से लेकर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके AK-47 ला के दबाई हुई है उनके ऊपर, अगर नॉन फैक्टर तो इग्नोर कर दीजिए उनको। देखिए, जो इतना झूठ बोलते हैं और प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं, जिनका नेता खड़ा होकर हिंदू धर्म के बारे में देवी देवताओं के बारे में उल्टे सीधे बयान दे, और ये राम मंदिर के बारे में जो अरविंद केजरीवाल जी के अपने बयान आप पुराने निकालोगे साफ इनका चेहरा नजर आता है, दोहरी राजनीति करते हैं, बयान क्या देते हैं बाद में वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये बड़े बड़े बातें करते थे शिक्षा पे, बाकी शराब में घोटाले में इतनी गहराई में फंसे हुए हैं। मुख्य आरोपी कौन है? अरविंद केजरीवाल जी नहीं, सिसोदिया है, लेकिन किंग पिन कौन है? अरविंद केजरीवाल है। किसी भी फाइल पे आज तक साइन नहीं किए, लेकिन इनके कभी स्वास्थ्य मंत्री जेल में, कभी शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में। उनको तो लग रहा है कि चूंकि उनका ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस का घिर रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में खतरा बन सकती है, इसलिए आप उनको कुचलने में लग गए। हम कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल का सामना करके 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार बनाई, हमें इनका नहीं, लोकतंत्र में कोई भी आए, लेकिन ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, ये अर्बन नेक्सलिस्ट हैं, ये झूठ बोलकर बार बार यू टर्न मारने वाले लोग हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने अराजकता की पहचान नहीं। पर ये ऐसे आइडिया देते ना, फिर बीजेपी सोचती है हम इसमें क्या बोले, जैसे उन्होंने कहा कि जो करेंसी नोट है एक तरफ गांधी जी रखो दूसरी तरफ गणेश जी या लक्ष्मी जी रख लो। इनका चेहरा आपने देखा ना जी, राम मंदिर पे इनका क्या कहना था। आज भी दिल्ली में आप देखें 18,000 रुपया साल का किसको मिलता है? मौलवियों को मिलता है, के गुरुद्वारे के ग्रंथियों को मिलता है, मंदिर के पंडितों को मिलता है? नहीं मिलता। ये अरविंद केजरीवाल का दोहरा चेहरा है, दिखाने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है। जो जो इनकी पार्टी से निकल के गए, आप किसी से बात कीजिए, अगर झूठ का पुलिंदा कोई है तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी। सर, दिल्ली में तो ये हवा फैलाने की कोशिश हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन बड़ा इजी है, कांग्रेस सो रही है, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन हिमाचल में जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि ज्यादा क्लोज और ज्यादा एक्साइटिंग इलेक्शन है। कांग्रेस छोड़ो ये यात्रा चल रही है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा, कांग्रेस के 4 वर्किंग प्रेसिडेंट हिमाचल में है, 2 छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, इनके कई सिटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी के, और इसके अलावा कई पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है, लोग कांग्रेस की नीतियों में विश्वास नहीं करते, और कांग्रेस आज एक भ्रष्ट राजनीतिक दल के रूप में जानी जाती है। और 2019 के बाद 2022 तक जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल तक नहीं चुन पाई, तो आप कल्पना कर सकते हैं देश भर की राजनीति में क्या हालत है। पर ये भी तो फैक्ट है कि मैं देख रहा था कि 14 कम से कम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बीजेपी के बागी हैं, तो ये प्रॉब्लम कोई सिर्फ कांग्रेस की थोड़ी है, छोटा स्टेट है, कंस्टिट्यूंसी छोटी है, पॉपुलेशन साइज कम है, ऐसे ही आपके पार्टी के सब बागी रहे, वो भी तो रूठे हुए, आप मना ही नहीं पा रहे अब तक। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट के दावेदार थे, निश्चित तौर पर वो एक बागी के रूप में या इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े भी हुए, बहुत सारे लोग मान भी गए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के जो काम है डबल इंजन की सरकार के, उसका लाभ भी हमें हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। ईमानदार सरकार हमने हिमाचल प्रदेश में दी है, उपलब्धियां भरी दी है, जयराम जी ने शानदार काम यहाँ पे किया है। नहीं, पर कुछ हद तक हमने ऐसा उत्तराखंड में भी देखा, गोवा में भी देखा कि छोटे राज्यों में बीजेपी की सरकार ज्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रही। उत्तराखंड में बार बार सीएम आपने बदला, यहाँ पे आपने गोवा में बार बार सीएम बदला, हिमाचल में आपने क्यों नहीं? हिमाचल प्रदेश में अच्छा काम किया तो सीएम बदलने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, पर बहुत कुछ ज्यादा क्रांतिकारी काम भी नहीं किया, बड़ा ही एवरेज टाइप का काम किया, कोई खास ऐसी अच्छी परसेप्शन या अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ बनी हो या लोग बहुत खुश हो, मतलब जीतोगे तो आपको मोदी जी किनारे पहुंचा देंगे तभी जीतोगे आप। नहीं, मोदी जी का तो बहुत बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश में मिलता है, लेकिन जयराम जी की सरकार ने
अगर आप कोविड के टाइम पे भी देखेंगे, चाहे हमारे कोविड वैक्सीनेशन की बात थी, हिमाचल प्रदेश नंबर वन आया। आप अभी देखिए जिस जिला में आप बिलासपुर में खड़े हैं, एम्स इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना है, मेडिकल कॉलेज से लेकर अस्पताल बने हैं, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, ट्रिपल आईटी, आईआईएम हो, आईआईटी हो, ये सब 5 सालों में बने जी। और ये काम ही है। और इसके अलावा जो सड़कों का बनाया है वो कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सड़कें बनाने का काम किया है।